Good morning everyone. Once again you are welcome back on MDN Education. Today in this video we are going to discuss the NCERT solution of the chapter Iswaran the Storyteller of 9th class. So let's start. We have discussed its complete summary in the last two videos. So the first question of today is Mahindra calls ghost or spirit a figment of the imagination. मतलब एज यू नो दैट कि इसके अंदर जो टू करेक्टर्स हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर के अंदर, ईश्वरन जो कि एक करेक्टर के रूप में है जो कि स्टोरी टेलर मतलब एंटरटेनिंग करता है, किसको? महेंद्र को. ठीक है, तो महेंद्र इसके अंदर अनादर करेक्टर है. तो महेंद्रा भूतों और जो आत्माएं होती हैं उनको एक कल्पना की आकृति मानता है. फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन मतलब क्या है? काल्पनिक आकृति मानता है. भी वो चीज़ें हमारे हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारी थिंकिंग होती है, दे आर नॉट रियल थिंग्स. व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, लेकिन पूर्णिमा की रात को उसके साथ क्या होता है? महिंद्रा डज नॉट बिलीव इन घोस्ट और स्पिरिट्स. तो आपको बता दें कि जो ईश्वरन है वो एक रात क्या करता है, महिंद्रा को भूतों की कहानी सुनाता है कि जैसे कि वो एक ब्यूरियल ग्राउंड के अंदर गया था और वहाँ पर उसने एक औरत को एक फ्यूटस के साथ देखा था. ठीक है, जिसके हाथ में क्या था, एक बंडल था. शी वॉज कैरिंग अ बंडल. तो महिंद्रा को भी इसी तरह का कोई महिंद्रा के साथ भी इसी तरह का इंसिडेंट होता है. तो क्या होता है, देखिए, महिंद्रा डज नॉट बिलीव इन घोस्ट और स्पिरिट्स. महिंद्रा है जो वो घोस्ट और स्पिरिट्स में विश्वास नहीं करता, मतलब वो सुपरस्टिशियस नहीं है. ही कॉल्स देम अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, वो उन्हें सिर्फ काल्पनिक आकृति मानता है, कहता है. ऑन वन फुल मून नाइट, और एक दिन पूर्णिमा की रात को, और एक पूर्णिमा की रात को महिंद्रा इज अवोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप. महिंद्रा है वो नींद से जाग जाता है. बाय अ स्लो मून क्लोज टू हिज विंडो, अपनी खिड़की के पास धीमे स्वर में कराने की आवाज को सुन करके, मतलब कोई कराने की आवाज आ रही थी, मॉर्निंग की आवाज आ रही थी, तो उसको सुनकर के वो नींद से जाग गया. एट फर्स्ट ही थिंक्स दैट इट इज अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस. तो सबसे पहले तो उसने सोचा कि ये शायद बिल्ली है जो कि चूहों के पीछे दौड़ रही है. बट द साउंड इज टू डीप, लेकिन वो आवाज इतनी गहरी थी एंड ग्रटल फॉर अ कैट. जिस तरह से चूहे कहराते हैं, मतलब चूहे जो बोलते हैं, उससे भी भयानक आवाज़ थी वो. एंड ही रेसिस्ट लुकिंग आउटसाइड एज ही डज नॉट वॉन्ट टू विटनेस अ साइट दैट मे स्टॉप हिज हार्ट बीट. तो वो बाहर देखने का रेसिस्ट नहीं करता है. ही रेसिस्ट लुकिंग आउटसाइड मतलब वो बाहर नहीं देखना चाहता. जैसे एज ही डज नॉट वॉन्ट टू विटनेस अ साइट, जैसे कि वो उस दृश्य को नहीं देखना चाहता है, दैट मे स्टॉप हिज हार्ट बीट, जो शायद उसकी हार्ट बीट को स्टॉप कर दे, मतलब उसके दिल की धड़कन को रोक दे, मतलब उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है. बट द क्राइंग बिकम्स लाउडर, लेकिन जो क्राइंग थी वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है एंड लेस सबटल. He cannot resist the temptation. मतलब वो जो क्राइंग थी वो लाउडर हो जाती है और बिल्कुल ही सबटल हो जाती है, मतलब एक विशेष प्रकार की हो जाती है. And he cannot resist the temptation anymore. और अब वो अपनी टेम्पटेशन को, अपनी इच्छा को और नहीं दबा पाया, दबा सकता है, रेसिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब वो बाहर देखना चाहता है. He looks out of the window. तो एक खिड़की के बाहर देखता है. He sees a dark cloudy form of a woman. तो वह बाहर एक बिल्कुल ही
काली आकृति देखता है एक औरत की, नॉट वेरी फार अवे, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। शी वॉज क्राइंग, शी वॉज कैरिंग अ बंडल इन हर आर्म्स, और उसने अपनी बाहों में एक बंडल को उठा रखा था। महिंद्रा बिगेन्स टू स्वीट विद फियर, तो महिंद्रा है जो वो डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया, उसको डर के मारे पसीना आने लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि फुल मून नाइट को उसके साथ क्या हुआ था, मतलब वो भी डर गया था, जबकि वो घोस्ट और स्पिरिट्स में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी, मतलब क्या आप कहानी की जो एंडिंग है उसके कुछ अदर अल्टरनेटिव भी बता सकते हैं, भी वो कुछ दूसरे तरीकों से भी एंड हो। द स्टोरी कुड हैव एंडेड ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट, मतलब जो कहानी है वो शायद मोर पॉजिटिव नोट के साथ है जो वो एंड हो सकती थी, इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब, मतलब अपनी जॉब से रिजाइन देने की बजाय। महिंद्रा कुड हैव बीन शोन एज अ रियल कोरेजियस मैन, तो महिंद्रा को शायद है जो वो एक रियल, एक वास्तविक साहसी व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहिए था, दिखाया जा सकता था। एंड प्रूविंग द घोस्ट थ्योरी रॉन्ग, मतलब जो घोस्ट की थ्योरी होती है उसको रॉन्ग साबित करते हुए क्या किया जा सकता था, महिंद्रा को एक रियल ब्रेव मैन और करेजियस मैन के रूप में साबित किया जा सकता था या दिखाया जा सकता था। एक तो ये है, इस तरह से कहानी एंड हो सकती है, क्योंकि लास्ट में वो डर के मारे अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है। अनदर एंडिंग कैन बी ऑफ बोथ महिंद्रा एंड ईश्वरन लीविंग द प्लेस टुगेदर इन टर्न कंटिन्यूइंग देयर बॉन्ड, और जो अनदर एंडिंग है वो बोथ महिंद्रा और ईश्वरन के बारे में, जो कि एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, ईश्वरन लीविंग द प्लेस टुगेदर, जो दोनों ही एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, एंड इन टर्न कंटिन्यूइंग देयर बॉन्ड विच इज डिपिक्टेड अर्लियर इन द स्टोरी, मतलब जो पहले जो स्टोरी के अंदर जो दोनों के बीच में जो अटैचमेंट थी, जो बॉन्ड था, उसको क्या करते हुए, उसको कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, ऐसा किया जा सकता था कि वो जो कहानी में पहले जो डिपिक्ट किया गया था कि उनका जो अटैचमेंट थी बाद में वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। एंड ईश्वरन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड एज अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स फॉर महिंद्रा, और महिंद्रा के लिए मतलब एक एंटरटेनमेंट के रूप में, एक एंटरटेनिंग व्यक्ति के रूप में महिंद्रा को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन था, इसके दो ऑप्शन हैं। ठीक है, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।